40 दिन बाद आप चिचिया रहे हैं, और 40 दिन पहले क्या हो गया था, नरेट्टा में घाव हो गया था क्या? ये सब के सब आतंकवादी हैं, सब हरामी है साले। और पता कर लो लोग, जहानाबाद घर है हमारा, बहुत सारे इंटरनेशनल फर्जी कॉल आ रहे हैं, धमकाया जा रहा हूँ मुझे, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मेरी हत्या की धमकी दी जा रही है। और हमारे बिहार के किसी बेटा के साथ कोई अगर अत्याचार कर ले, हम बिहारी चुप बैठेंगे क्या? हम इतिहास बनाने की क्षमता रखते हैं, सत्ता पलटने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं शुभम कुमार। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद हर दिन एक नया खुलासा देखने को मिल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता राजीव नगर थाने में जाकर FIR दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद बिहार की 4 सदस्यीय टीम मुंबई जाती है। मुंबई पुलिस के द्वारा जिस तरह से बिहार पुलिस को बर्ताव किया जाता है, उसके बाद से मुंबई पुलिस के कार्यशैली पे सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ आज इसी विषय पर बात करने के लिए हैं स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा। ये वही भागवत शर्मा हैं जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर शुरू से ही आवाज़ उठाते आ रहे हैं। भागवत, सबसे पहला सवाल कि जिस तरह से मुंबई पुलिस के द्वारा बर्ताव किया जा रहा है बिहार पुलिस को लेकर, ऑटो नहीं दिया जा रहा है, पुलिस वैन में उन्हें एक अपराधी की तरह भी ट्रीट किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पुलिस ही पुलिस को अरेस्ट कर रही है भाई। आपने अगर निष्पक्ष तरीके से जांच किया है सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड की, तो आप बिहार पुलिस का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और मुंबई पुलिस जो कि दुनिया में बेस्ट पुलिस जानी जाती है, आप क्यों परेशान कर रहे हैं? और मुंबई पुलिस किसके इशारे पे कर रही है? अगर सब कुछ निष्पक्ष है तो क्यों समस्या आ रही है? मुंबई पुलिस किसके इशारे पे बिहार पुलिस को परेशान कर रही है? और मुख्यमंत्री जी, कितनी शर्म की बात है, आपने वहाँ बिहार पुलिस के लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं की है। अंकिता लोखंडे जी ने अपनी जगुआर गाड़ी दी है। जब सच्चाई सामने आने लगी है तो यहाँ महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस को परेशान करने लगी। ये बहुत गलत हो रहा है सर, अमित शाह जी, ये बहुत गलत हो रहा है। बिहार ने आपको 39 सांसद दिए हैं, गृह मंत्री जी आप आगे आए, अगर नहीं आए तो यह बिहारियों का अपमान होगा और हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड की अभी तक इतने बड़े बड़े लोगों ने, यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 26 पॉइंट बताए हैं कि जब उन्होंने आत्महत्या की है तो जैसे ही 6 फीट से ज़्यादा उनका हाइट है, बेड में उनका पैर टच हो जाएगा, वहाँ पे किसी प्रकार कोई टेबल नहीं था। सिद्धार्थ पटानी किसके कहने पे, जब भी कोई सुसाइड करता है तो पुलिस के आने के बाद उनकी बॉडी को बाहर लाया जाता है, और सिद्धार्थ पटानी ने किसके कहने पर बॉडी को बाहर निकाला? हम तो निरंतर आवाज उठा रहे हैं इस चीज के लिए। अच्छा, मुंबई पुलिस क्या डर रही है कि बड़े बड़े चेहरे सामने आ जाएंगे, इसलिए बिहार पुलिस को इस तरह से रोका जा रहा है, क्योंकि मीडिया से भी बात करने नहीं दिया जा रहा था बिहार पुलिस? सर, एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा, मैं वही तो बता रहा हूँ, एक अपराधी की तरह यहाँ बर्ताव किया जा रहा है, क्यों, क्या कारण है? बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे। नहीं नहीं, बिहार किसी अदर कंट्री में बसता है क्या? या बिहार चेन्नई में बसता है, चेन्नई में बसता है, या पाकिस्तान में बसता है, या अफगानिस्तान में बिहार बसता है? बिहार भारत का ही तो एक अभिन्न अंग है, पूरे देश की संस्कृति बिहार से पूरे देश में गई है, और बिहार का अपमान करोगे? अनिल देशमुख क्या करता है ये? ये सबसे बड़ा अनिल देशमुख का इसमें हाथ है, इसकी नार्को टेस्ट होनी चाहिए। क्यों नहीं जाँच करने दे रहे भाई, क्यों नहीं CBI जाँच होगी, क्या कारण है? अगर सब कुछ सही है तो जांच करने दो। मुंबई पुलिस सर बहुत बड़ा झोल है, राजनेता का बेटा भी इसमें सम्मिलित है, राजा का बेटा इसमें सम्मिलित है, इस हत्याकांड में। रुको यार, राजा के बेटा ने गरीब की बेटा की हत्या की है, यह बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। अच्छा, एक बात और, रिया चक्रवर्ती भी कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपना डाली जिसमें उन्होंने वो कह रही हैं कि मुझे न्यायालय पे भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलेगा, और उनका ये भी कहना था कि हमारे जो एडवोकेट हैं उन्होंने हमें कुछ भी कहने से मना किया है। आपको बिहार पुलिस पे, पूरे देश के संविधान पे अगर आपको उम्मीद है, विश्वास है, लोकतंत्र पे विश्वास है, यहाँ की कानूनी प्रक्रिया पे विश्वास है, कार्य प्रणाली पे विश्वास है, क्यों भागी हुई हो, क्यों छुपी हुई हो? बिहार पुलिस को सहयोग करो, तो खुद तो गायब हो गई सर, सर अकाउंट से तुमने 17 करोड़ रुपए क्यों गायब किए? ये हम नहीं कह रहे हैं सर, उनके पिता कह रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने कहा है कि उनके अकाउंट से 17 करोड़ रुपए की अवैध निकासी रिया चक्रवर्ती ने कर ली है। बीच डिबेट में रिपब्लिक टीवी का जब डिबेट हो रहा था तो सिद्धार्थ पता नहीं क्यों छोड़ के भाग गया, जब सच्चाई सामने आएगी तो मिर्चा लगने लगा क्या? ये सब के सब आतंकवादी हैं, सब हरामी है साले। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, ये संदीप सिंह है,
तुम कहते हो कि जिस दिन सुशांत ने आत्महत्या की हम घर पे थे, और संजय निरुपम जी कहते हैं कि तुम संजय निरुपम जी के यहाँ थे। बहुत बड़ा बड़ा खेल खेला जा रहा है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स के लोग इन्वॉल्व हैं, कई डायरेक्टर इन्वॉल्व हैं, कई प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हैं इस हत्याकांड में, और एक बड़े विश्व स्तरीय कलाकार की हत्या कर दी गई है। सर, हम शांत नहीं बैठेंगे। मैं देश के तमाम नौजवानों से, बहनों से, भाइयों से निवेदन करता हूं, जो पूरे विश्व के विभिन्न कोने में जाके बैठे हुए हैं, आप हमारा साथ दें, भागवत शर्मा का साथ दें, हम ये लड़ाई लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। सर, अच्छा, मुंबई पुलिस जो इतने दिनों में नहीं कर पाई, तो बिहार पुलिस जो गई है अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और उसमें कुछ सच्चाई सामने आए होंगे, तभी तो मुंबई पुलिस के द्वारा इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। सोचिए, इतने बड़े राज्य की, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही देश का सबसे बड़ा राज्य है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आप पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं मुख्यमंत्री जी, और बिहार पुलिस को वहाँ किसी साधन की उपस्था नहीं, साधन की व्यवस्था नहीं हो पाई क्या? आपने वहाँ गाड़ी एक नहीं दिलवाया? हमारी पुलिस जो कि हमारा अभिमान है, गौरव है, बिहार पुलिस हमारा सम्मान है, वो वहाँ ऑटो से जांच करने जा रही है, नहीं चाहती, 3-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है उन्हें पूरे मामले में बात करें। इस कोरोना काल में के अधिकारी बात करें, वो भी तो किसी भाई बहन के बेटा ही है ना, किसी परिवार का हिस्सा है हमारे बिहार पुलिस के जमा, जो ये उन्हें भी कोरोना का खतरा है, फिर भी वो हमारे देश के जो गौरव है उनके न्याय दिलाने के लिए वो जांच कर रहे हैं, बाहर निकले। और मैं तमाम बिहार पुलिस के नौजवानों से निवेदन करता हूँ, आप आवाज उठाइए, हमारे बिहार पुलिस के साथ कोई अपमान कर दे, कोई कैदियों की तरफ बर्ताव करे, हम चुप रहेंगे क्या? बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, भागवत शर्मा चुप नहीं रहेगा, सबान सेना चुप नहीं रहेगी। देख सकते हैं ये मुंबई पुलिस, ये नेता बिक जाए, हम युवा हैं, हम नहीं बिकेंगे सर, अब पता कर लो लोग, जहानाबाद घर है हमारा, बहुत सारे इंटरनेशनल फर्जी कॉल आ रहे हैं, धमकाया जा रहा हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मेरी हत्या की धमकी दी जा रही है, सवर्ण सेना वाले को धमका रहे हैं, सामने आओ इस पूरे मामले पता चलेगा, पीछे से छुप के बाहर करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, एक एक लोग का नाम मैं उजागर करूंगा, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, मुझे किसी का डर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी से आग्रह है, हाथ जोड़ के, अमित शाह जी से हाथ जोड़ के आग्रह है, बिहार के तमाम नेताओं से आग्रह है कि आप लोग आवाज उठाइए, आपके बेटे की हत्या हुई, आपके भाई की हत्या हुई, हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? अच्छा, एक बात और है कि बिहारी कलाकार जितने भी हैं उनके तरफ से भी कुछ आवाज नहीं उठाई जा रही है, अगर बात करें शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, सोनाक्षी सिन्हा हो गई, और भी कई ऐसे बिहारी कलाकार हैं, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के मैटर को लेकर कुछ भी बोलने से हिचकिचा रहे हैं। कैसे करेगी उनकी बेटी उस गैंग, जो गैंग चलता है बॉलीवुड में, उस गैंग के हीरो के साथ वो मूवी करती है, उस गैंग का जो अभिनेता होता है, और हमारे देश की वैसे हीरो कहते हैं इस अपराधियों की, इस आतंकवादियों की, हमारे देश में हीरो एक ही, हमारा फौज, हमारे आर्मी के जवान हैं, हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, बिहार पुलिस की टीम जो देश की सुरक्षा में 24 घंटे तैयार हैं, हमारे किसान हमारे हीरो, अब एक इंटरटेनर को हम अपना अगर हीरो मानेंगे तो ये तो आतंकवाद को फैलाएंगे ही, आतंकवादियों के ब्लैक पैसा को व्हाइट पैसा में तब्दील किया जाता है, हम शांत नहीं बैठेंगे सर, न्याय चाहिए, डिमांड जस्टिस, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दो, हम ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं, और तमाम युवाओं से निवेदन करेंगे आप ट्विटर पर भागवत शर्मा के साथ जुड़िए, हम लोग लड़ेंगे आखिरी दम तक लड़ेंगे सर, हम शांत नहीं बैठेंगे। अच्छा भागवत, ये जो सिलसिला है ये यहाँ रुकेगा या फिर ये आगे भी ऐसे ही देखने को मिलेगा? 16 जून से सर लड़ रहे हैं, और हमारा इतिहास खंगाल लीजिए आप, हम जिसके साथ खड़े होते हैं मजबूती से खड़े होते हैं, और हमारे बिहार के किसी बेटा के साथ कोई अगर अत्याचार कर ले, हम बिहारी चुप बैठेंगे क्या? हम इतिहास बनाने की क्षमता रखते हैं, सत्ता पलटने की क्षमता रखते हैं, अगर महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने अगर इस जांच में, इस केस में अगर सहयोग नहीं किया तो बहुत बुरा बर्ताव उनके साथ होगा। अमित शाह जी सुधर जाइए, 39 सांसद बिहार ने आपको दिया है, आप हमारे साथ छलावा नहीं कर सकते हैं, आपने अगर इस जांच में अगर सीबीआई जांच नहीं कराई तो बहुत बुरा परिणाम आप भुगतते हैं, यह चेतावनी है सवर्ण सेना की। अच्छा, जेडीयू जो है वो भी देर ही, लेकिन अब जो है सुशांत सिंह राजपूत के लेकर वो आवाज़ उठाने लगी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं? अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुप गई खेत, नहीं चाहती है कि 40 दिन बाद अब चिचिया रहे हैं पूरे मामले में बात करें, और 40 दिन पहले क्या हो गया था? अधिकारी बात करना चाहते हैं, नरेटा में घाव हो गया था क्या? मुंबई पुलिस
नटन जी पर मचा के रखे हो सब लोग यार। जब डीसीपी क्राइम, चलो कोई बात नहीं, अभी से तो आवाज उठाओ। पठान से मिलकर बिहार के उम्मीद है इन लोगों से, लोग इन कुर्ताधारियों से बाहर निकले तो इन लेदाधारियों कुर्ताधारियों से उम्मीद है, क्या होगा भगवान जाने। तो ये थे हमारे साथ भागवत शर्मा, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि हम सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे और लॉकडाउन के बाद कई ऐसे नाम जो हैं उनको ये उजागर भी करने वाले हैं। और इनका ये भी कहना था कि इनको सुशांत सिंह राजपूत के आवाज़ जब से ये उठा रहे हैं उसके बाद से इनको काफ़ी इंटरनेशनल कॉल भी आए, काफ़ी धमकियाँ भी मिल रही हैं। तो ऐसे ही अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ पहुँचाते रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब भी कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।